क्या कहते हैं कि इंडिया वाले इस चैलेंज को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्या वो पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। इंडिया हमारे से आईटी में वैसे भी बहुत आ गया, ये तो सबको पता है। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी बन सकता है सिस्टम ऐसा। मेरे खुद एक दोस्त ने ट्राई किया था, उसने एक बेसिक बनाया था काइंड ऑफ, उसको एक्सेल के साथ अटैच किया था। अच्छा, तो वो इस तरह से किया था कि वो एक्सेल के साथ वर्किंग करती थी चैट जीपीटी। बात किसी हद तक सही है कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है। ठीक हो गया। मैं कोई दो साल अमेरिका में भी रह के आया, वहाँ पे दरसगाँव में भी मैंने देखा है, तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की क्लास होती थी उसमें लाइक 90% इस इधर साउथ इंडिया, मोस्टली इंडिया और चाइना। तो वो तो उस लेवल तक भी पहुंचे, तो हमारे तो पास लोकल यूनिवर्सिटीज तो वो लेवल है ही नहीं। हमारे यहाँ पर भी मैं सुनता था अपने दोस्तों से कि ना एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट आ रहा था इंडिया से पहले पाकिस्तान आ रहा था वो। अच्छा, बिल्कुल मैंने भी सुना, ये बेहतर लग रहा था उसको, बट यहाँ की गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया, अल्टीमेटली वो इंडिया चले गए, वहाँ जाके सेटअप कर लिया, अब डेफिनेटली उनकी ग्रो कर गई है। चाइना अगर अपनी ऐप बना सकता है रीचैट के नाम से, जो वीचैट के नाम से जो उन्होंने जो है मैसेंजर के मुकाबले में या व्हाट्सएप के मुकाबले में बनाई है, इंडिया अगर ट्विटर के मुकाबले में को बना सकता है, उन्होंने एक ऐप बनाई है, या फिर जैसे अभी उन्होंने चैट जीपीटी के मुकाबले चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कोई इस तरह की ऐप बना सकते हैं, हम क्यों नहीं सोच क्यों नहीं सकते, बना क्यों नहीं सकते? चैट जीपीटी के पास डेटा बहुत है, डेटा बहुत, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन से ज्यादा का डेटा उसके पास, बिल्कुल ऐसे ही। वो नॉर्मल कंपनी के पास वो डेटा इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा। आप देखिए कि इंडियंस अगर सारे वहां पे हैं तो सही, लेकिन वो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड हो सकता है, इसमें मेरी थोड़ी सी जो है ना इग्नोरेंस भी हो, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड उनके बिजनेसेस हैं, इधर वो माइक्रोसॉफ्ट के हों या फिर गूगल के हों, उन्होंने खुद से चीजें उतनी ऐसा डेवलप नहीं की से है। ये बताएं पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस पोजीशन पे खड़ा है, अगर हम अपने नेबर कंट्रीज से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, इंडिया से, चाइना से या इसके अलावा? यार मेरी मेरा जो अपना ओपिनियन है इस हवाले से, तो ये है कि पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि उस कंपटीशन में भी कहीं आता है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हमारी एजुकेशन जो है वो उस लेवल की है नहीं। तो अब तो आप दुनिया में जैसे देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे जो आपके नई ईजादात जैसे चैट जीपीटी और डिफरेंट चैनल्स आ गए हैं, जो इन ऑलरेडी एक मोनोलिथ्स किस्म के एग्जिस्टिंग गूगल के सर्च इंजन्स हैं, लाइक उनको वो दे रहे हैं, तो उसकी रीज़न ये है कि उस लेवल की रिसर्च वहाँ पे है, तो हमारे पास तो ये नहीं है। ठीक हो गया। चैट जीपीटी की आपने बात की, इसी के ऊपर हमारा मेन टॉपिक भी यही था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी। जो चैट जीपीटी के सीईओ हैं, उन्होंने इंडिया का विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने किसी मतलब सेमिनार में या किसी मीटिंग में ये बोल दिया कि हम आप ये इंडियंस ये काम नहीं कर सकते। ठीक हो गया, चैट जीपीटी जैसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते। वैसे तो ऑलरेडी उन्होंने ट्विटर के मुकाबले में कूप बनाया, चाइना ने जो है व्हाट्सएप के मुकाबले में मैसेंजर ऐप्स बनाई हैं, इंडिया अब चैट जीपीटी जैसा जो है ना एक वो बनाने जा रहा है, सॉफ्टवेयर बनाने जा रहा है, क्या कहेंगे? चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, हम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, हमें क्यों नहीं शर्म आ जाती? यार इसमें यही है कि थोड़ा सा हमें जो ना रियलिस्टिक देखना पड़ेगा, इंडिया जो भी है उनकी बात, जो आई गेस सैम एल्टमैन की आप बात कर रहे होंगे, जो बात किसी हद तक सही है कि इंडिया नहीं कर सकता, लेकिन स्टिल अगर हम अपने कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, तो हमारी एजुकेशन उनके लेवल की नहीं है। ठीक हो गया। मैं कोई दो साल अमेरिका में भी रह के आया, वहाँ पे दरसगाँव में भी मैंने देखा है, तो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की क्लास होती थी उसमें लाइक 90% इस इधर साउथ इंडिया, मोस्टली इंडिया और चाइना। तो वो तो उस लेवल तक भी पहुंचे, तो हमारे तो पास लोकल यूनिवर्सिटीज तो वो लेवल है ही नहीं। इंडिया की लोकल यूनिवर्सिटीज आईआईटीज वगैरह में भी बड़ी अच्छी रिसर्च और उनका काम हो रहा है, फिर उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे आप देखें उनके सीईओज और जो दीगर लोग हैं उस लेवल तक पहुंचे हैं। यूनिवर्सिटीज तो यहाँ पे भी मौजूद हैं, अगर वहाँ पे आईआईटी है, यहाँ पे यूईटी है, नस्ट है, इसी कैसे जो मतलब देखिए यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इमारत का नाम नहीं होता, आपके पास उन लोगों की बात होती है कि जो एक्चुअली उस नॉलेज को दे सकें आपको। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में भी हमने पढ़ा और हमने यही देखा है कि आपके पास जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो उन लोगों को कभी भी जो है ना फेवर नहीं करती जो एक्चुअली रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव किस्म की चीज़ें होती है, वो चलती हैं, तो आपके पास वो चीज़ निकालनी होगी जो शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ईरान में निकली है या आईआईटीज आपके पास इंडिया में निकली है, तब आप किसी हद तक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आ सकते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने बोला कि जो सा उन्होंने बात की है सीईओ ने, चैट जीपीटी के सीईओ ने बात की है कि इंडिया वाकई ऐसा नहीं बना सकता, आप कैसे कह सकते हैं? मतलब देखें, मेरी जो एक आइडिया है, जो एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर आईटी की बात करें वो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स इंडिया में हैं, और चैट जीपीटी भी कहीं ना कहीं आईटी से लिंक करती है, तो क्या आपको नहीं लगता उन्होंने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है वो उसको पूरा कर पाएंगे? इसमें मेरा थोड़ा सा अपना एक पर्सपेक्टिव है जो मैंने वहाँ यूएस में भी 2 साल वगैरह देखा, कि आप देखिए कि इंडियंस वगैरह ये सारे वहाँ पे हैं तो सही, लेकिन वो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड हो सकता है, इसमें मेरी थोड़ी सी जो है ना इग्नोरेंस भी हो, लेकिन
जो इस्टेब्लिश उनके बिजनेसेस हैं, इधर वो माइक्रोसॉफ्ट के हों या फिर गूगल के हों, उन्होंने खुद से चीज़ें उतनी ऐसे डेवलप नहीं की, तो वो आप थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंट की हिस्टोरिकल एजुकेशन में जाएं तो हमारी एजुकेशन ही ऐसी है कि जिसमें हम फॉलो करते हैं, यानी कि इनोवेशन की तरफ हमारी थिंकिंग उस लिहाज से नहीं होती जिस तरह वेस्ट में होती है। आप एक स्टीव जॉब्स या कोई दूसरा, आपके पास बिल गेट्स, एक जिस तरह की एक माशरे में जिस एक रीत होती है उसकी डेवलपमेंट है, तो पाकिस्तान इंडियंस शायद उस लेवल पे नहीं है, बट स्टिल इंडियंस आर व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन मच अहेड देन यू नो पाकिस्तान। अच्छा ये बताएं क्या ऐसी वजह हुई कि देखें आप ये तो एक चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि वो एजुकेशन के मामले में, आईटी के मामले में और टेक्नोलॉजी खास तौर पे अगर ओवरऑल बात करें हमारे से बेहतर हैं, ठीक है, हम क्यों नहीं बेहतर हो पा रहे, हम क्यों नहीं सीख पा रहे, हमारे एक साइड पे इंडिया बैठा है, एक साइड पे चाइना बैठा है, दोनों टेक्नोलॉजी पे बड़ा काम कर रहे हैं, हमें फिर नहीं समझ आ रही यार। उसमें फिर आप ये देखें ना कि माशरे में आपके पास हीरोज़ कौन होते हैं, हमारे पास यहाँ पे इंजीनियरिंग करके लोग सीएसएस की तरफ चले जाते हैं और लोग आर्मी में जाना चाहते हैं क्योंकि माशरे में उन लोगों की जो ना इज्जत है। आपके पास इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की, जो एक्चुअल आपके पास दे सकते हैं एडवांसमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, उनकी इज्जत होगी तो लोग और काबिल लोग उस तरफ जाएंगे ना, वो जब नहीं जाते तो फिर आपके पास फिर एक प्रोडक्ट आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक ज़ाहिर एवोल्यूशन होती है ओवर द ईयर्स। लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अब चूँकि दुनिया एजुकेशन डेमोक्रेटाइज हो गई है, देयर आर लाइक यू कैन गेट द एजुकेशन ऑफ MIT ऑनलाइन फॉर फ्री, मेनी अदर थिंग्स, तो आप जो हमारी नई नस्ल है वो अपने तौर पर भी यूट्यूब और इन चीज़ों का एक अच्छे अंदाज में यूज कर सकती है Coursera, edX। ठीक है, आपने बोला यूट्यूब को या सोशल मीडिया को यूज़ करके टेक्नोलॉजी के बारे में हो नो ले सकती है, अवेयर हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पे यूट्यूब की बात कर लें, कभी बंद होता है कभी फिर दोबारा चलता है, फेसबुक मोनिटाइज नहीं है, इस तरीके से इन चीज़ों पर भी तो काम नहीं हो रहा। मकसद यह है कि दुनिया जिस तरीके से चल रही है, दुनिया जिस तरीके से कंपटीशन में आ रही है और चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रही है, हम उस डगर पे नहीं चल रहे, हम उस ट्रैक पे नहीं चल रहे, मेन मकसद ये है। उसकी फिर आप ये बात देख लें कि वो फिर थोड़ा सा एक मायोपिक, एक कम नज़री और तंग नज़री हमारी है, हम एक हर चीज़ को एक सिक्योरिटी के लेंस से देखते हैं, तो उस बेसिस पे यूट्यूब और इन सारी चीज़ों में भी कदगन लग जाती है। आप एक ओपन सोसाइटी रहने दें, लोगों को सोचने का टाइम दें, तो फिर एक और टाइम जो है इवोल्यूशन हो जाती है और लोग उस तरफ बढ़ना भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया, बिल्कुल इनकी इस बात से एग्री करता हूं। अगर बात करें सिक्योरिटी की, आपने बात की, आपको नहीं लगता ऐसे हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा रिस्क में है? देखें, चाइना से हमारी टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल हमारे चाइना से आ रहे हैं, खिलौने हमारे चाइना से आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि हम यहाँ पर सिक्योर हैं? हमारी जो उनसी इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल डाटा है, वो सारा दूसरे कंट्रीज जो भी कोई चाहे लाइक खासतौर पे चाइना, उनके तक नहीं जा सकता? मैं आपकी इस बात से टोटली एग्री करता हूं कि आपके पास इंडिजिनस प्रोडक्ट्स होंगी तो आप ज़्यादा सिक्योर होंगे। चाइना का आप देखें कि वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स, इवन फेसबुक और ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं चलती हैं, वीचैट उनकी एक मेरे ख्याल से ऐप है, उसकी बेसिस पे वो सारा कुछ चलाते हैं। तो आप अगर इस बेसिस पे भी आप सिक्योरिटी का लेंस इस वाली सिक्योरिटी, आईटी वाली सिक्योरिटी पे भी लाना चाहें, तो आपको फिर इंडिविजुअल डेवलपमेंट और रिसर्च की जरूरत होगी, और आप ये चीज़ें खोलेंगे, नौजवान नस्ल को आगे बढ़ने देंगे, तब आप जो है डेवलप कर सकते हैं। हम बात करते हैं वार 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 जंग जू और बड़े लड़ाके, बड़े जज्बाती और बड़े जो उनसे दलेर किस्म के, तो आज के दौर में देखें वार भी लड़नी है तो आज के दौर में वार ही टेक्नोलॉजी की है, डाटा की वार है, सारी इकोनॉमी की वार है, इन चीज़ों की तरफ हम अपने माइंड को, अपनी जज्बात को, अपने इमोशंस को या अपने दलेरी को क्यों नहीं लेके आते? बिल्कुल ऐसा ही है, बस मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ। होपफुली कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है, इस मामले में वो कुछ सोचेंगे और हमारे लोग भी जो है ना इस मामले में अपने तौर पे भी एक्ट करना सोचेंगे। लेकिन मुझे और आपको लाइक देखें, मुझे बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ, लेकिन ये सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, प्रॉपर नॉलेज भी था और प्रॉपर जो बात की, अथेंटिक बात की, और ऐसी सोच पाकिस्तान की पब्लिक में, पाकिस्तान की यूथ में कैसी आएगी? आपने बोला आप US रह के आए, आपकी ज़ाहरी बात है उस तरीके से आपने एक्सप्लोर किया, आपने चीज़ें देखी, आपको पता चला दुनिया कैसे वर्क कर रही है, यही बात हम पाकिस्तान की पब्लिक को कैसे समझा सकते हैं? यार ये तो फिर एक तो सबको US भेज दें कि उधर से इट्स वेरी डिफिकल्ट, यहाँ पे भी हो सकता है, आप चीज़ें ओपन हो रही हैं, आप बस सिर्फ इन चीज़ों में कदगन लगाना छोड़ दें, इंसान अपनी राह खुद ही निकाल लेता है जब उसको तलाश होती है किसी न किसी चीज़ की, नॉलेज की, तो देयर आर मेनी एवेन्यूज अवेलेबल। तो नौजवान नस्ल जो है ना, आप दुनिया में बेस्ट से बेस्ट अगर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है तो यू वॉन्ट गो फॉर द सेकंड वन, टेंथ नंबर की तो बात छोड़ें, तो वो एवेन्यूज अवेलेबल हैं, इंसान का टाइम लगेगा पाकिस्तान को इस लेवल पे आते हुए, पाकिस्तानी यूथ को ये चीज़ें समझते हुए कि दुनिया कहाँ जा चुकी है और हम किस लेवल पे सोच रहे हैं। आज भी हम रोटी कपड़ा मकान, आज भी हम ये चोर वो अच्छा वो बुरा, इस लेवल पे अपनी थिंकिंग रखे हुए हैं। यार उस लेवल की साइंटिफिक रिसर्च, उस लेवल पे काम करने पे तो डेकेड्स लगेंगे, लेकिन उस लेवल की थिंकिंग जिसमें हम ओपनली सोच सकें, होपफुली कोई 5-10 साल अगर सारी चीज़ें ओपन और कदगन ना लगें हर चीज़ पे, तो लेट्स होप सो। ठीक हो गया, अच्छा लगा जी बात करके, और मैं भी यही चाहूँगा कि 5-10 साल क्या 5-10 दिन में ही पाकिस्तान की यूथ को अवेयरनेस आए, लेकिन वो आएगी तभी जब पाकिस्तान के अदारे और गवर्नमेंट चाहेगी। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम?
मोहम्मद उमर यूसुफ। क्या करते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियर हूं और अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूं। सिविल इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। टॉपिक भी इंजीनियरिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें, दुनिया इस टाइम किस लेवल पे जा चुकी है, पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब भी कितने लोगों को पता है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, पाकिस्तान में AI के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और जिनको पता भी है ना तो वो थोड़ा रिजर्व रह रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि लोगों की एक राय बन चुकी है यहाँ पर कि AI काइंड ऑफ उनकी जॉब्स खा लेगी। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि AI से उनके जॉब चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये मतलब ये कि रिपोर्ट आके सारा काम करेंगे, रिबोटिक सिस्टम हो जाएगा, मशीनरी के थ्रू हो जाएगा, ऑटो सारा सिस्टम हो जाएगा, ये सर मैकाट्रॉनिक्स की अगर बात कर रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जॉब्स खा लेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेगी। हाँ, इशू उन लोगों के लिए होगा जो AI को सीखेंगे नहीं। ठीक हो गया। क्योंकि लेट्स सपोज मैं ChatGPT यूज़ कर रहा हूँ अपनी कंटेंट राइटिंग के लिए भी, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ साथ। ठीक हो गया। तो मैं डेफिनेटली मैं एक कंटेंट लिखता हूँ, ChatGPT उसको रिफाइन करने में मेरी बड़ी हेल्प करती है। ठीक हो गया। तो अगर आप तो इस सेंस में देखेंगे तो ये बहुत फायदेमंद है। इस तरह बहुत से और टूल्स आ गए हैं, ग्राफिक्स के आ गए हैं, वीडियो एडिटिंग के आ गए हैं। ठीक है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस रखें और इन सॉफ्टवेयर्स को उसको रिफाइन करने के लिए यूज करें तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया। आपने ChatGPT की बात की, हम भी इसी के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे ये बताएं आप वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, फ्री वाला वो कर रहे हैं या फिर पेड कर रहे हैं? मैंने फ्री भी कर रहा था पहले, पर मैंने अब पेड कर लिया जो $20 का। मुझे ये बताएं IT की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खासतौर की फील्ड में ChatGPT का इतना नाम कैसे बना? क्या ऐसी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वजह से हर एक से आप जिससे भी बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो ये कहते हैं ChatGPT? बिल्कुल। असल में जैसे मैंने बताया कि रिफाइन कर देता है ये मटेरियल को, तो सेम जो कोडिंग करते हैं लोग वो अपने कोड ChatGPT पे ऐड करते हैं और ChatGPT उनको मिस्टेक्स भी बताता है और उसका एक बेटर वर्जन भी बता देता है। ठीक हो गया। ChatGPT जैसी कोई ऐप या कोई ऐसा सिस्टम पाकिस्तान से कोई इंजीनियर या पाकिस्तान से कोई भी इंसान बना सकता है या इंडिया से कोई बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो CS रिलेटेड है, क्योंकि मैं खुद फास्ट यूनिवर्सिटी से हूँ तो मेजोरिटी मेरे फ्रेंड्स का ताल्लुक CS बैकग्राउंड से है, तो वो लोग काम कर रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो इस तरह के सेटअप्स वगैरह इस तरह के प्रोग्राम्स बना के देते हैं। बट इशू यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लोगों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। ठीक है। कोई इन्वेस्टर भी होगा ना तो वो पैसे खर्चने से डरेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं, उसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवा दो, उसे आप पता नहीं इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करवा दो, वो समझेगा हाँ ठीक है ChatGPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है क्या, ये तो मरवाएंगे। अच्छा, अभी जो CEO है ChatGPT के, उन्होंने इंडिया विजिट किया, वहाँ पे उन्होंने ओपनली बोला कि भाई ChatGPT जैसी कोई ऐप या कोई इस तरह का सिस्टम इंडिया वाले बना नहीं सकते, नाकाम हो जाएंगे अगर ट्राई करेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कहते हैं कि इंडिया वाले इस चैलेंज को जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, क्या वो पूरा उतर पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं, इंडिया हमारे से IT में वैसे भी बहुत आगे है, ये तो सबको पता है। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में भी बन सकता है सिस्टम ऐसा। मेरे खुद एक दोस्त ने ट्राई किया था, उसने एक बेसिक बनाया था काइंड ऑफ, उसको एक्सेल के साथ अटैच किया था। अच्छा। तो वो इस तरह से किया था कि वो एक्सेल के साथ वर्किंग करती थी ChatGPT ही, बेसिकली वो ChatGPT की हेल्प के साथ था, बट एक्सेल के काम कर देती थी वो आपको। तो इस तरह के आप प्लगइन्स वगैरह बनाए जो आप ChatGPT के साथ अटैच कर लें, ChatGPT प्रॉपर इस तरह का सेटअप जैसे मतलब ये तो आपने ये ना एक्सटेंशन बता रहे हैं, इस तरह की ऐप आप एप्लीकेशन बना सकते हैं इंडिया वाले? बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि एज सच आपको अगर बेसिक पीछे का कंसेप्ट समझ आ जाए तो आप बना सकते हो। ChatGPT क्यों उसकी नस्बत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि ChatGPT के पास डेटा बहुत है, ठीक है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन से ज़्यादा का डेटा है उसके पास, वो नॉर्मल कंपनी के पास वो डेटा इतनी जल्दी अचीव नहीं होगा, टाइम लगेगा। हाँ। लेकिन ये है कि चैलेंज एक्सेप्ट करना भी बड़ी बात है। आपने बोला IT में इंडिया बहुत आगे है, वो कैसे आगे चला गया? 1947 में हमारे भी वही इंस्टीट्यूट थे, उनके भी वही इंस्टीट्यूट थे, ठीक है, हमारे भी वही लेक्चरर वही टीचर थे जैसे ऑलमोस्ट वहाँ पे थे, मतलब एक ही था ना सारा सिस्टम, लाहौर और दिल्ली एक ही था, तो फिर क्या ऐसा हुआ? असल में उनकी गवर्नमेंट ने इस लेवल पे बहुत सपोर्ट किया उनको। हमारे यहाँ पर भी मैं सुनता था अपने दोस्तों से कि ना एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट आ रहा था इंडिया से, पहले पाकिस्तान आ रहा था वो। अच्छा। क्योंकि मैंने भी सुना ये बेहतर लग रहा था उसको, बट यहाँ की गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया, अल्टीमेटली वो इंडिया चले गए, वहाँ जाके सेटअप कर लिया, अब डेफिनेटली उनकी ग्रो कर गई है। ठीक है। हमारे यहाँ पर जो काम कर भी रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि बाहर के सॉफ्टवेयर हाउस हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी ऑफिस खोले हुए हैं और उन पे काम कर रहे हैं, तो अगेन लोग कर बाहर के लिए काम रहे हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे कौन सा ऐसा सेटअप है, मतलब सोशल मीडिया के? मैंने ये सुना था कि शायद गूगल भी यहाँ पे अपना कोई ऑफिस स्टार्ट करना चाहता है, या इस तरीके से और भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म दूसरे हैं वो यहाँ आना चाहते हैं, यूट्यूब का यहाँ पे कोई ऑफिशियल ऑफिस नहीं है, क्या वजह क्या है आखिर, मतलब हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे जबकि पूरी दुनिया इन चीज़ों पर चल रही है? असल में हमारी अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करना चाहते। कहीं ना गलती किसकी है, मतलब हम, मैं नहीं करना चाह रहा, आप नहीं करना चाह रहे, या हमारी गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही कि पाकिस्तानियों को पता चले कि दुनिया किस लेवल पे जा चुकी है? समझता हूँ कि गलती दोनों तरफ से है। ठीक है। ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट
एक बड़ा अदारा है वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा टेक केयर कर सकता है। स्टूडेंट के सामने से क्या इशू है कि लेट्स सपोज अगर मैं ही सीएस का काम करूँ, मेरा अच्छा काम चलेगा, मैं पाकिस्तान में नहीं ठहरूंगा, मैं बाहर चला जाऊंगा, मेरे लिए यूएसए के ऑप्शन है, जर्मनी के ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया के ऑप्शन है, तो मैं उनको टारगेट करूंगा बजाय कि पाकिस्तान रहने में। तो ये भी है उसमें, डेफिनेटली गवर्नमेंट अगर अपना काम करती है यहाँ पर उनको अच्छा सेटअप प्रोवाइड करके देती है, कह लें कि एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि यूथ इस तरफ चले। बिल्कुल, जिस तरह अल्फा ग्रीन टावर बनाया था उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत से लोगों ने वहाँ से स्किल सीखी, काम कर रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, कई लोगों ने वहाँ से स्किल सीख के अपना सेटअप शुरू कर लिया। ऐसे ही कहते हैं हमसाए का इंसान पे या इंडिविजुअली या ओवरऑल कंट्री की बात करें बहुत इम्पैक्ट होता है हमसाए के ऊपर। मतलब हमारे साथ चाइना है, वो भी टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, साथ इंडिया है वो भी बहुत डेवलपमेंट कर रहा है, हम पे ये असर क्यों नहीं करती चीज़ें, मतलब हम इधर से सीख लें या इधर से सीख लें। सर उसमें अगेन हायर अथॉरिटी का इशू है, वो शायद करना नहीं चाहते इस बारे में, हालांकि अगर वो कर लें तो उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अभी भी जो पाकिस्तान की फ्रीलांसिंग की मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया के कंपैरिजन बहुत कम है, बट दुनिया में पांचवें छठवें नंबर पे ऑलमोस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान, चौथे नंबर पे, हां टॉप थ्री में आता है पाकिस्तान। तो इस लिहाज से पाकिस्तान बहुत अच्छी मार्केट है फ्रीलांसिंग के लिहाज से, और यही अगर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, यही अगर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए तो मैं ये समझता हूँ शायद दूसरे पे भी आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ फैसिलिटीज फैसिलिटेट करने की जरूरत है। अगर फैसिलिटेट करते हैं तो कोई कौन बाहर जाना चाहेगा, वो यहाँ बैठे काम कौन जाना चाहेगा। यहाँ पे जो लोग अभी काम भी कर रहे हैं उन्हें कभी पेपाल की इशू हो जाता है, जी पेपाल नहीं है, आपको भी ये इशू फेस कहीं ना कोई इशू है, क्योंकि मैंने अपनी ट्रांजेक्शन करनी होती है तो मुझे या पियोनियर या वाइस के थ्रू करनी पड़ती है, डिफरेंट चैनल यूज करने पड़ते हैं, उनकी एक फीस लगती है, फीस होती है, पेपाल इस दूसरे से कहते हो कि जी आप हमारे पैसे मंगवाएं फिर वहां से हम यहां मंगवाते हैं, ऐसे ही है। तो अगर पेपाल आ जाते तो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पेपाल पे कोई लिमिट भी नहीं होती ट्रांजेक्शन की, मिनिमम ट्रांजेक्शन भी कर लो आप, ठीक है। अच्छा अगर बात करें सिक्योरिटी की, हम हमेशा अपने स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, अदारों में ये कहते नज़र आते हैं पाकिस्तान एक कॉर्नर का प्लॉट है, यहाँ सिक्योरिटी रिस्क है, पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे, ये सुनते हैं हम बात, ठीक है। आर्टिफिशियल अगर इंटेलिजेंस की बात करें, सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत लिंक है, अब आजकल के दौर में हमारे खिलौने चाइना से आ रहे हैं, हमारा टेक्नोलॉजी का जितना भी मोबाइल है या जो भी है चाइना से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाइना से आ रहा है, क्या हम सिक्योरिटी वाइज महफूज नज़र आएँगे आपको? यार मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान एक महफूज कंट्री है, वो है डेफिनेटली, लेकिन जिस डेटे की वार है और डेटा की अगर बात की जाए कि हमारा डेटा सिक्योर है, नहीं उस लिहाज से कह सकते हो आपके थोड़ा वीक सिस्टम है, ठीक है काइंड ऑफ। तो चाइना अगर अपनी ऐप बना सकता है रीचैट के नाम से, जो वी चैट के नाम से, जो उन्होंने जो है मैसेंजर के मुकाबले में या व्हाट्सएप के मुकाबले में बनाई है, इंडिया अगर ट्विटर के मुकाबले में कू बना सकता है, उन्होंने एक ऐप बनाई है, या फिर जैसे अभी उन्होंने चैट जीपीटी के मुकाबले चैलेंज को एक्सेप्ट किया, कोई इस तरह की ऐप बना सकते हैं, हम क्यों नहीं सोच क्यों नहीं सकते, बना क्यों नहीं सकते? मेरे नहीं ख्याल में कि सोच पे या नॉलेज पे कोई वो इशू है कि नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। पर अगेन मैंने बताया ना कि लेट्स सपोज अगर कोई सेटअप शुरू भी करना चाहता है उसको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उसको वो सपोर्ट नहीं मिलती, तो अल्टीमेटली वो यहाँ लॉन्च करने के जब वो बेहतर समझता है कि वो थोड़े पैसे खर्च के बाहर जाए और बाहर लॉन्च करके उससे कुछ कमाए भी, हाँ, और अपना नाम भी बना ले। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों से आईटी को काफ़ी सपोर्ट दिया है, पर मेरे ख्याल में स्टिल अभी वो बेसिक लेवल तक भी नहीं आ पा रहे एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से काम हो रहा है उसे देखते हुए हम बेसिक लेवल तक भी नहीं आ रहा, नहीं ठीक हो गया। आने वाले 5-10 साल में कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको? मतलब आप भी इंजीनियर हैं, आपके स्टूडेंट्स इर्द गिर्द होते हैं, आइडिया होता है कि बस यार अब तो चेंज आने वाला है, क्या समझते हैं पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी की बात करें, कोई चेंज आता नज़र आ रहा है? चेंज आता बिल्कुल नज़र आ रहा है लोगों ने, क्योंकि आईटी को अब इवन जो लोग मैट्रिक पास भी थे वो भी आईटी की फील्ड में आ गए, क्योंकि मेरे खुद भी ख्याल है कि डिग्री के बजाय अगर आप ये कोर्सेज कर लेते हैं, स्किल्स सीख लेते हैं ना, ऐसे ही है, और अपनी कम्युनिकेशन बेहतर कर लें, अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर फोकस रखें एज कम्पेयर टू अपनी एजुकेशन स्किल्स के ऊपर, तो अल्टीमेटली आप कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया ने आईटी में अपने आप को डेवलप किया, उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए, क्या हमें उनसे सीखने की जरूरत है? इवन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करके स्टूडेंट